हेलो दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं जीटीपी के बारे में। किचन के अंदर जीटीपी कैसे लगाई जाती है, इसको जीटीपी बोलते हैं। अपन सिंक के ऊपर ही लगाई जाती है ये, ताकि इसमें बर्तन वगैरह अगर आप धोते हो तो बर्तन वगैरह का पानी इसके अंदर आ जाएगा। स्ट्रे के अंदर आप स्ट्रे को निकाल कर ऐसे बर्तन वगैरह का पानी खाली कर सकते हो और वापस स्ट्रे को इसके अंदर आसानी से लगा सकते हो। ये कप प्लेट वगैरह कटोरी कटोरी धोने के लिए यहाँ पर रख सकते हो, ऊपर आप प्लेट वगैरह के लिए रख सकते हो। तो ये कैसे लगाई हमने, किस तरीके से लगाई जाती है, आज आपको इसको पूरी डिटेल बताई जाएगी। तो आप हमारी वीडियो से बने रहें और चलते हैं दोस्तों वीडियो की तरफ। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड कमेंट करें। देखें दोस्तों पूरी वीडियो, स्किप ना करें। ओके बाय। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही दबाएं इस बेल आइकन को ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। हेलो फ्रेंड, हम आपको बताने जा रहे हैं किचन के अंदर ही जीटीबी प्रोफाइल कैसे लगाई जाती है, इसकी क्या साइज होती है, किस साइज का अपन को बॉक्स बनाना पड़ता है। आप देख सकते हैं ये नीचे की प्लेट है, इसके अंदर अपन कप प्लेट वगैरह रख सकते हैं। इसको इसे पसाया जाता है और इसके अंदर जो भी पानी निकलता है स्ट्रे के अंदर, उस पानी को अपन सिंक में खाली कर सकते हैं बाद में। अपना इससे प्लाई बोर्ड ख़राब नहीं होता। ये देख सकते हैं ये 30 इंच की है हमारी, इसमें सभी साइज की आती है, 24 इंच की भी आती है और ये हमारी 30 इंच की है। आप इसे देख सकते हैं, ये ऊपर की भी 30 इंच है और नीचे वाली ट्रे भी हमारी 30 इंच है। ये थाली की आती है, इसमें अपन थाली वगैरह रख सकते हैं। देख सकते हो आप इसमें कितनी थाली आ सकती है अपनी आराम से। ये एडजस्टमेंट होता है इसके अंदर, आप इसको जिस तरीके से एडजस्ट करना चाहते हो, आपके बॉक्स के हिसाब से इसे एडजस्ट कर सकते हो। ये फोल्डिंग होती है, ऐसे दोनों तरफ हो जाती है। बट इसमें ये ध्यान रखिए, सीधी किधर से है आप उसी तरीके से इसे लगाएं, ये उल्टी नहीं लगनी चाहिए, ये सीधी लगनी चाहिए हमारी, ताकि थाली इसमें अपनी फंसी रहे और निकले नहीं, गिरे नहीं बाहर की तरफ। इसकी चौड़ाई नाप ले आप पहले, ये हमारे 9 इंच में आ रही है चौड़ाई में, जो पहले लगानी पड़ेगी आपको नीचे की ट्रे वाली। तो अपन नीचे की ट्रे वाली स्टार्टिंग करेंगे, उसके बाद अपन ऊपर की थाली वाली लगाएंगे। तो आप पहले नीचे की ट्रे की नाप ले और फिर ऊपर की थाली को भी उसी तरीके से नाप ले, कितने साइज पे अपन को इसके छेद करने हैं और कितनी साइज पे ये लगानी पड़ेगी। तो आपसे रिक्वेस्ट है दोस्तों, आप हमारे चैनल से बने रहें। हमारी वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड कमेंट करें। हम इसी तरह की फर्नीचर रिलेटिव वीडियो यूट्यूब पर लाते रहते हैं, पब्लिक करते रहते हैं दोस्तों। आप बिल्कुल भी बीच में स्किप ना करें, बस इसे देखते रहें ये किस तरीके से लगाई जाती है। हम इसको लगाने जा रहे हैं, एक बार आप कच्चे मार्जिन से इसे सेट कर ले, ताकि ये किस तरीके से किस साइज पर आनी चाहिए, अपनी प्लेट ऊपर अड़नी भी नहीं चाहिए और नीचे के अगर अपन गिलास वगैरह धो कर रखते हैं तो वो भी ऊपर की ट्रे के अड़ने नहीं चाहिए, इतना आपको गैप छोड़ना पड़ेगा। जो हमारा बॉक्स है अंदर से अंदर हमने 30 इंच बनाया हुआ है और इसकी जो हाइट दी है चौड़ाई वो 24 इंच दे रखी है अपन ने, ये देख सकते हैं आप। इधर इधर के डोर की तरफ से आप इसे 1.5 इंच अंदर रखें, जो आपको इधर से निशान लगाना है वो 1.5 इंच करके अंदर की तरफ लगाना है। मेन डोर से आप निशान ले ले, इसका ध्यान रखें आपको ये इतनी ऊंचाई पर लगानी है, नीचे से 2-2.5 इंच जगह छोड़कर, ताकि आपके कब्जे हैं हिंजिस है उस हिंजिस के ये ट्रे अड़नी भी नहीं चाहिए, निकालते वक्त टच वगैरह नहीं होनी चाहिए कहीं पर भी, आराम से निकल सके। आप फ्रंट की साइड से इसे 1.5 इंच छोड़ सकते हैं, चाहे आपकी कितनी भी साइज की जीटीपी हो, पर आप इधर से 1.5 इंच छोड़ दें और नीचे से आप अपने हिसाब से निशान लगा लें। हमने 4 इंच पर निशान लगाया हुआ है, हमारा स्पेस छोड़ के कब्जे देखते हुए हिंजी से हमारे टच नहीं हो, इस हिसाब से हमने 4 इंच पर निशान लगाया है और फ्रंट की तरफ से हमने 1.5 इंच छोड़ा हुआ है, जो आप देख सकते हैं दोस्तों। बस आप हमारी वीडियो से बने रहें, बहुत आसान है इसको लगाना, ज़्यादा हार्ड काम नहीं है, लेकिन ये काफ़ी सुंदर लगती है लगने के बाद। और ये मार्केट में आराम से मिल जाती है, इसकी रेट 1000-1200-1500 रुपये से स्टार्टिंग होती है, आपकी बजट के हिसाब से आप कोई सी भी कंपनी की ले सकते हैं। ये हमारी 2 का सेट है, इसमें 3 का भी सेट आता है, अभी हम 2 का ही सेट लगा रहे हैं इसके अंदर, इसमें 3 का भी आता है। अगर आपका बॉक्स बड़ा है हाइट में, हमारा 24 है, अगर आपका ज़्यादा होता है 30-35 होता है तो आप 3 भी लगा सकते हैं इसके अंदर, ये देख सकते हैं। बस इसमें ये ध्यान रखना है दोस्तों, आपको जो आपकी मार्किंग है वो 1 mm भी आउट नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल निशान सही जगह पर होने चाहिए, जब इसकी चौड़ाई सही लग पाएगी। ये चौड़ाई नाप ले आप हमारी 9 इंच आ रही है, तो आपका जो निशान है वो 9 इंच पे लगना चाहिए, दूसरा आगे से आप 1.5 इंच छोड़ दे और फिर पीछे की तरफ आगे से आप निशान नाप के और 9 इंच पे निशान लगा ले। बस इस निशान में आपसे गलती नहीं होनी चाहिए, 1 mm बराबर भी गलती नहीं होनी चाहिए। इस तरीके से आप सेंटर ले ले
9 इंच पे एक और निशान लगा दे उधर की तरफ। बहुत आसान है इसको लगाना, ज़्यादा हार्ड काम नहीं है दोस्तों, आप हमारी वीडियो से बने रहें। और ऊपर की तरफ नीचे की तरफ से आप वापस 4 इंच छोड़ ले, जैसे इधर की तरफ आगे की तरफ रखा हुआ था। एक बार आप कच्चा पसा कर जरूर देख ले दोनों को कि सही सेट हो रही है स्नाप पर या नहीं हो रही। हमारे बॉक्स के हिसाब से तो हमारी सही सेट हो रही है, अब आपके जो बॉक्स की साइज हो आप उसके हिसाब से इसे सेट कर ले। नीचे की तरफ हमने जो प्रोफाइल लाइट लगाई हुई है उसकी ऊपर वायर वगैरह छोड़ रखे हमने, तो ये इसके अंदर ही रहेंगे, तो ये दिखेंगे भी नहीं, हमारी प्लेट के नीचे आ जाएंगे। इसका जो फिल्टर है डिब्बी है ये भी आप चेंज वगैरह कर सकते हो, ये भी यहीं रखी रहेगी हमारी प्लेट के नीचे ही, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसमें क्या है, किचन के अंदर अगर आप मॉड्यूलर किचन बनाते हो तो ये लगाना बहुत ज़रूरी है। इसमें अगर आप बर्तन वगैरह धोते हो डेली यूज के तो आप इसके अंदर रख सकते हो, अगर आप प्लेटफॉर्म पर बर्तन धोकर जमाओगे तो अच्छे नहीं लगते। इसमें आप एंड टू एंड धोकर एंड टू एंड ऊपर जमा सकते हो। ये देख ले आप, 3 सूत का हमारा बिट है, 3 सूत के बिट से ही आपको छेद करना होगा इसके अंदर। और छेद करते वक्त आप ये विशेष ध्यान रखें कि आपका होल आर पार नहीं होना चाहिए, केवल अंदर आधा इंच 12 mm जितना ही छेद होना चाहिए दोस्तों। ज़्यादा छेद करोगे आप तो आर पार निकल जाएगा बिट और आपका पूरा काम खराब हो जाएगा दोस्तों। तो आप आहिस्ता से मशीन चलाएं, स्पीड से ना चलाएं, नहीं तो आपका होल बाहर भी निकल सकता है। आपको ये विशेष ध्यान रखना है, आप केवल ये 12 mm जितनी ही इसकी गहराई रखें ताकि उसके लोके जो इस छेद के अंदर जाकर फंस जाएं। ये देख लें आप, ये आउट नहीं होना चाहिए। अगर आपकी मशीन हिलती है तो आप पहले कील से छेद कर लें, वहाँ पर दाग दे लें कील से, छेद करने के बाद फिर ये बिट से चलाएं और इसे एक बार चेक कर लें, नाप लें भाई 9 इंच में हमारा सेंटर आ रहा है या नहीं आ रहा। हमारा सेंटर पूरा 9 इंच में आ रहा है, आप देख सकते हो, तो ये 9 इंच में हमारी आराम से लग जाएगी। इधर की तरफ भी आप इसी तरीके से छेद करें, मशीन हिलनी नहीं चाहिए दोस्तों। अगर आउट हो गया छेद तो आपकी वो भी आउट हो जाएगी प्रोफाइल भी। तो आप इसको आहिस्ता से लगाएं और छेद आर पार ना करें, इसका ध्यान रखें। बस आप आधा इंच जितना गहरा करें, 12 mm जितना गहरा छेद करें, इससे ज़्यादा गहरा नहीं करना। ये 4 छेद करने हैं बस, और कुछ भी नहीं करना है इसके अंदर। 4 छेद में ही आराम से हमारे GTP प्रोफाइल नीचे वाली लग जाएगी। उसके बाद अपन ऊपर की मार्किंग करेंगे थाली वाली की, वो कैसे लगाई जाती है कैसे नहीं लगाई जाती। तो आपसे रिक्वेस्ट है दोस्तों, आप हमारे चैनल से बने रहें, बीच में स्किप नहीं करें वीडियो। ये देख सकते हैं हमारी ये ट्रे है, ये ट्रे को आप निकाल लें पहले। ये पुश बटन होता है जो अपने छेद में जाकर लग जाता है। अगर आपका बॉक्स बड़ा है छोटा है तो इसमें एडजस्ट करने का भी आता है, आप 2-3 सूत तक इसमें एडजस्ट वगैरह भी कर सकते हैं। इसको दबाकर आप लॉक को दबाकर इस प्रोफाइल को अंदर डाल सकते हो और ये छेद में जानी चाहिए बस। ये आप विशेष ध्यान रखें, ये अपन ने जो सेंटर में कर कर किए हुए हैं छेद उसमें जाकर लगनी चाहिए। हमारा पूरा सेंटर का काम था तो ये पूरे सेंटर में लग गई एकदम टाइट, इसमें कोई भी दिक्कत कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप इसे निकालना चाहो तो लॉक दबाकर निकाल भी सकते हो, कभी निकालने की ज़रूरत हो चेंज करने की ज़रूरत हो तो कर भी सकते हो, इसके अंदर ही रहेगी। उसके बाद ये आप ऊपर से अपनी ट्रे लगा सकते हो ताकि इसके अंदर जो पानी आएगा आप इसे निकाल कर सिंक में खाली कर सको। इसी इस तरीके से लगाई जाती है दोस्तों धीरे से, ताकि ये हमारी आराम से अंदर चल जाए। और आप ये ध्यान रखें कि इसे निकालते वक्त ये डोर के नए अड़ने चाहिए नए अपने हिंज जिसके नीचे, इस तरीके से पानी खाली करके इस तरीके से अंदर चल जाए, उस तरीके का ही आपका बॉक्स बनना चाहिए और इसी तरीके से लगनी चाहिए। नीचे 2.5-3 इंच की हमारी जगह रह गई प्लेट वलेट लगाने के बाद, तो इतना गैप नीचे रहना भी चाहिए ताकि अपने प्लेट वगैरह ये इसके अड़े नहीं जिसके। आप देख सकते हैं ये एक एक प्रोफाइल हमारी प्लेट वाली लग चुकी है GTP, अब ऊपर वाली लगाएंगे दोस्तों। ऊपर वाली का मार्किंग आपको थोड़ा ध्यान से करना है क्योंकि ये प्लेट वाली है, तो इसके अंदर आप देख लें एक बार इसे भी रख कर कि किस जगह पर सही आ रही है किस जगह पर नहीं आ रही। ये 30 इंच में दोस्तों आप इसका ध्यान रखें, हम 30 इंच वाली लगा रहे हैं। इसमें सभी साइज़ की भी मिलती है, 24 से स्टार्टिंग है इसके अंदर, फिर आपके बॉक्स के हिसाब से आप लेना ले सकते हो। और इसमें एडजस्ट करने का भी सिस्टम होता है, अगर आपका बॉक्स 1-2 सूत छोटा बड़ा है तो आप एडजस्ट भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। इसके अंदर रख ले, देख ले, कच्चा रख कर नाप ले, एक बार चेक कर ले। इसको इस तरीके से लगानी है ऊपर वाली थाली वाली को कि ताकि अपन अगर गिलास वगैरह भी अगर अपन धोकर नीचे वाली ट्रे में रखते हैं तो ऊपर इसके टच नहीं होना चाहिए, इतना गैप नीचे आना ही चाहिए, कम से कम 8-9 इंच का गैप नीचे की तरफ आना ही चाहिए
ताकि अपन अपना गिलास वगैरह इसके टच नहीं हो। और ये थाली वाली इस जगह पर लगनी चाहिए कि अपन इसमें थाली भी लगाए तो ऊपर टच नहीं होनी चाहिए, प्लस अपने डोर बंद हो तो उस डोर के टच नहीं होनी चाहिए डोर बंद होने के बाद। इसलिए आपको इसे पहले कच्चा पसा ले एक बार, कच्चा पसा कर अपना आइडिया ले ले भाई ये किस जगह पर सही दे रही है अपने गिलास के लिए। नीचे अगर अपन कोई सामान रखते हैं तो इसके टच हो रहा है या नहीं हो रहा, कितना स्पेस नीचे छूट रहा है और ऊपर कितना स्पेस छूट रहा है। ऊपर भी इतना स्पेस छोड़े आप ताकि ये अपन के ऊपर ऊपर वाली में कहीं बड़ी थाली भी रखे आप थोड़ी, तो ऊपर की तरफ टच नहीं होनी चाहिए और डोर के भी टच नहीं होनी चाहिए। इसको देख ले आप आइडिया लेके फिर ही छेद करें ताकि आपकी नीचे भी नहीं लगे और ज़्यादा ऊपर भी नहीं लगे। अब हमने इसका मार्जिन ले लिया, अब हम इसको लगाएंगे। तो इस जगह से नाप रहे हैं तो आपको चारों ही कोने में से इसी जगह से इंच टेप लगाकर इसी जगह से आपको निशान लेना होगा। हम इसको लगा रहे हैं 10 इंच के लगभग लगा रहे हैं हम इसको, और इधर की तरफ से 1.5 इंच, वही 1.5 इंच नीचे की लगाई है तो वही ऊपर की भी 1.5 इंच पे ही लगाई जाएगी दोस्तों। ये देख सकते हैं आप, उसी तरीके से आप चारों निशान ले ले जैसे अपन ने पहले लिए थे उसी तरीके से। लेकिन ये इंच टेप का ध्यान रखें आप कि आपने पहले किस जगह पर टच किया हुआ था और अब किस जगह पर टच कर रहे हैं। ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए तो तिरछी लग जाएगी, टेढ़ी लग जाएगी, बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगेगी आपकी ये। इसे GTP बोला जाता है जो किचन में लगाई जाती है सिंक के ऊपर बर्तन वगैरह धोने के लिए। ये जा मार्केट में आराम से मिल जाती है और काफ़ी सुंदर किचन लगता है इससे। इसमें आप अगर लापरवाही करते हो तो ये तिरछा हो जाएगा और बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। आप सेंटर का विशेष ध्यान रखें, आपका सेंटर कितने पे निकल रहा है। अब अपना 9 इंच पे सेंटर निकल रहा था तो आप इसे भी 9 इंच पे ही निकालने की कोशिश करें। अगर ऊपर नीचे छोटा बड़ा कर देते हो तो 9 इंच देख सकते हो आप, 9 इंच रह गया हमारा और ये आगे से 1.5 इंच आ रहा है। उसी तरीके से इसे लगाएं, बस इसे एक बार सेट करके देख ले आप ताकि अपने नीचे की भी कोई चीज़ अगर धोकर रखते हैं तो वो टच नहीं हो और ऊपर भी हमारी प्लेट वगैरह टच नहीं हो। बस इतना सा देखना है आपको और फिर उसी तरीके से आपको निशान लगाते हुए चलना है जैसे पहले की तरह निशान लगाते हुए चल रहे थे। हमने नीचे से भी 9 इंच के लमसम ही लिया है ताकि हमारे कहीं कोई चीज़ टच नहीं हो दोस्तों। हम इसी तरह की फर्नीचर रिलेटिव वीडियो बनाते रहते हैं, यूट्यूब पर डालते रहते हैं दोस्तों। हमारे किचन का काम चल रहा है अभी, यहाँ पर पूरा पूरा काम नहीं हुआ है यहाँ का, जब पूरा काम होगा तो आपको बताया जाएगा दोस्तों। ये ऊपर की तरफ हमने गीज़र के पॉइंट छोड़ रखे हैं, ऊपर वाले बॉक्स में गीज़र लगाया जाएगा। जो आपको दो छेद वगैरह दिख रहे हैं वो हमने गीज़र के लिए छोड़ रखे हैं और बोर्ड इसमें लगा हुआ है ताकि आप इसका प्लग गीज़र का इसमें दे सकते हो। ऊपर वाले बॉक्स में हम गीज़र रखेंगे और नीचे हमने RO का फिटिंग किया हुआ है जो अगर आप देख सकते हो, वीडियो हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, वहाँ से आप लिंक में जाकर हमारी वीडियो देख सकते हैं। हमने RO वगैरह का कनेक्शन कैसे किया हुआ है किचन के अंदर दोस्तों, वो भी आपको देखने को मिल जाएगा। हम इसी तरह की फर्नीचर रिलेटिव वीडियो यूट्यूब पर डालते रहते हैं और पब्लिक करते रहते हैं दोस्तों। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड कमेंट करें, हमें बताएं वीडियो कैसी है। अब फिर हमारे मार्किंग हो चुकी है चारों जगह से सेंटर में, और उसी 3 सूत के बीट से हम इसका भी छेद करेंगे और इसका भी छेद इतनी आहिस्ता से करेंगे दोस्तों ताकि बाहर नहीं निकले। बस आधा आधा इंच तक का अपन होल मार ले इसके अंदर, देख सकते हो आप फिनिशिंग से पहले चेक कर ले। चेक करने के बाद सेंटर आने के बाद आप होल मार सकते हो और इस प्रोफाइल को भी लगा सकते हो। हमने पहले ही 30 इंच का गला छोड़ा हुआ था, ये 30 इंच के हिसाब से फिर हमने ये मंगवाई है मार्केट से GTP। ये अपने मार्केट में मिल जाती है, ज़्यादा महंगी रेंज में नहीं आती है, 1000-1200-1500 रुपये तक की रेंज में आती है। तो आप जैसी कंपनी की लोगे उस रेंज में आपको मिल जाएगी। 3 सेट वाली लोगे तो 3 सेट वाली, 2 सेट वाली लोगे तो 2 सेट वाली। ये हम जो लगा रहे हैं ये 2 सेट वाली है दोस्तों। लगाना बहुत ज़रूरी है किचन के अंदर, इससे किचन की लुक भी अच्छा लगता है और अपन के बर्तन वगैरह धोने में भी आसानी रहती है। प्लेटफॉर्म पर अच्छे भी नहीं लगते बर्तन, चाय वगैरह के एंड टू एंड धोकर अपन जमा सकते हैं दोस्तों, देख सकते हो। इसके बाद इसे लगाएं आप, इसको देख ले सीधी है या उल्टी है। अब प्लेट लगने के बाद एक तो आप उल्टी लगा दो, सीधी का ध्यान रखें, सीधी किधर से ये ऐसे होल में फंसाने के बाद उधर के भी होल में ऐसे फंसा दे इसे टाइट, और इधर के होल में भी इसे टाइट फंसा दे। बस इसमें कुछ भी निकलना, इसमें पुश सिस्टम होता है, ये पुश की तरह लॉक हो जाती है और लॉक होने के बाद छेद में चली जाती है ऑटोमेटिकली, देख सकते हैं ये टाइट लग चुकी है हमारी बढ़िया तरीके से।
कोई प्रॉब्लम नहीं है इसके अंदर। ऊपर अपन थाली रख सकते हैं और नीचे की तरफ अपने कप प्लेट वगैरह गिलास वगैरह जमा सकते हैं, कोई भी चीज़ कहीं पर टच नहीं होगी हमारी। और ऊपर भी काफ़ी स्पेस मिल चुका है प्लेट और प्लेटें रखने के लिए, और नीचे भी सही स्पेस है। इसे आप एडजस्ट भी कर सकते हो, अगर इसे ऊपर नीचे करना चाहते हो तो ये यहाँ से ऊपर नीचे भी हो जाती है। इसमें सब सिस्टम दिया हुआ है, अगर बड़ा छोटा करना हो, थोड़ा तिरछा करना हो, पूरा सिस्टम इसमें आप कर सकते हो। इसे सही भी देख सकते हो आप कितना सही लगा हुआ है, एकदम सेंटर में लगी हुई है हमारी। बस इसमें कुछ भी नहीं है, बहुत आसान है। बस आप अपनी मार्किंग है वो एकदम सही करें, सेंटर में करें, तो आपका काम एकदम सेंटर में सही होगा। ये ट्रे देख सकते हैं आप, इस तरीके से निकल जाती है, अंदर लग जाती है दोस्तों। और नीचे की तरफ हमने 2.5 इंच का स्पेस दे दिया। ये डोर बंद होने के बाद प्लेट हटनी चाहिए, उस हिसाब से हमने 1.5 इंच अंदर करते हुए ये चीज़ लगाई गई है, ताकि हमारी प्लेट वगैरह भी कहीं पर टच नहीं हो। और नीचे जो वायर वगैरह है ये कट कर बहुत छोटे हो जाएंगे, और नीचे हमारी वो डिब्बी रखी रहेगी एल्यूमिनियम प्रोफाइल लाइट की, तो वो भी वहाँ से चेंज कर सकते हैं। ऐसे प्लेट निकल जाए, ऐसे पानी खाली हो जाए और ये प्लेट वापस लग जाए, इससे हमारा प्लाईवुड वगैरह ख़राब नहीं होगा और ऐसा का ऐसा ही रहेगा। अगर आप गीले बर्तन जमाते हो तो धीरे धीरे करते हुए ख़राब हो जाता है। ये प्रोफाइल लाइट लगी हुई है देख सकते हैं, इसका आप अन्य ऊपर ही वायर वगैरह निकाल रखा है, ऊपर इसकी डिब्बी रखी रहेगी, यहाँ से चेंज हो जाएगी ख़राब होने के बाद। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड कमेंट करें। ओके बाय दोस्तों, मिलते हैं नई वीडियो में।